मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पांचवा क्लास होगा, और आज का जो टाइप है सवाल का बहुत ही खतरनाक टाइप है, और ये सवाल बनाने में विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये टाइप का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल आपके सामने कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती है तथा 5 रुपये कम में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। आप चाहते हैं बहुत अच्छा से इसको समझना सीखना, एकदम डीपली भी, और फिर इसका शॉर्ट रूल से भी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, केवल भागिएगा नहीं, क्योंकि आज के बाद आपको कभी परेशानी नहीं करेगा ये सवाल, कभी परेशान नहीं करेगा आपको, ये परेशानी आज ख़त्म हो जाएगी। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। कितना में बेचती है ये नहीं पता है, कहता है कि 20% लाभ पर बेचती है। अब कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, यानी जितना में वो खरीद के लाई थी मनीषा उससे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। अब कहता है उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्रयमूल ज्ञात करना है। पहले आपको हम प्रोसेस समझाते हैं, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट रूल अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक बात, इस पूरे सवाल में कहीं रियल में रुपया दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, 5 रुपया का चर्चा हुआ है ना, तो इस बार हम एक्स मानेंगे, CPX मानेंगे। क्रयमूल पूछा है ना, तो क्रयमूल ₹1 मान लेंगे, तो क्रयमूल ₹1 माना, बहुत इत्मीनान से। उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वीडियो नहीं भगाइएगा, सब कुछ देखना जरूरी है आपके लिए। ₹1 माना। अब सवाल कहता है कि 20% लाभ पर बेचती है। शुरू में बोला है मनीषा कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचती है, तो भैया विक्रयमूल क्या होगा, विक्रयमूल क्या होगा? 20% लाभ पर बेचने का मतलब इसका 120% पर बेचना, यानी एक्स का 120% हो जाएगा विक्रयमूल। 120% का वैल्यू 6/5 होता है, 6/5 से इसने गुना, यानी कि 6x/5 रुपया, ये क्या हो जाएगा, विक्रयमूल हो जाएगा। ये पहला विक्रयमूल हुआ, आगे फिर विक्रयमूल आने वाला है। अब सवाल ये कहता है कि यदि 5 रुपये कम में बेचती, हाँ एक बात, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तब 25% का लाभ होता। अगर 20% कम में खरीदती, पहले एक्स में खरीदा हुआ था, अब 20% कम में खरीदने का मतलब ये है, कम में खरीदने का मतलब कि न्यू वाला CP पूछ रहा है, न्यू वाला CP कह रहा है, नया CP, सुनिएगा, इससे 20% कम में खरीदा होता, यानी एक्स का 80% देकर खरीद लिया जाता। अब 80% का वैल्यू होता है 4/5, 4 से गुना करिए इसमें, 4x/5 रुपया, ये हो गया भैया नया CP, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है जानते हैं, कहता है कि अगर 5 रुपया कम में बेचता तब भी 20% का लाभ होता, यानी इतना में खरीद कर लाया है ना, 20% लाभ होगा 5 रुपया कम में बेचने पर, 5 रुपया कम में बेचा जाएगा तो कितना का लाभ होगा, 25% का। यानी अब वाला जो SP होगा, यानी दूसरा SP जो होगा, SP2 जो होगा, ई वाला क्रयमूल पर 25% लाभ कमाएगा। 25% लाभ कमाने का मतलब इतना का 125% पर बेचा जाएगा, यही बात ना। तो ये देखिए क्या हो जाता है, 5/4 इसका वैल्यू आएगा, अब ये 4x/5 इसका वैल्यू आएगा 5/4, चलिए क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, काट के देखिए, अब ये 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, बचा x, यानी ₹1 ही क्या निकल कर आया जानते हैं दोस्तों, दूसरा विक्रयमूल आया। अच्छा, और सवाल में एक जगह जो रुपया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जान लीजिए, सवाल कहता है 5 रुपया में कम में बेचता अब, यानी पहले जितना में बेचता था उससे 5 कम में बेचने के लिए कह रहा है।
इसका मतलब कि पहले के विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य 5 रुपया कम होने के लिए कहा, यानी इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 5 रुपया का, तो भैया ये कम है आई ज़्यादा बोला है, तो ज़्यादा वाला है आइए पाद वाला विक्रय मूल्य है, इसका अंतर बोला है कि 5 रुपया का है, क्योंकि बोला 5 रुपया कम पर बेचता, इसका मतलब पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 5 रुपया का अंतर। ये 5x में से 5x घटेगा 6x में से 1x बट्टा 5 होगा, अब बराबर ये 5 रुपया। अब लीजिए x की वैल्यू कितना हो गया 25। x आपने क्या माना था, उस वस्तु का क्रय मूल्य माना था, यानी 25 रुपया हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं, इसे कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, तो आइए इसी को शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस सवाल को शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहता है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, 20% लाभ पर बेचती है, यानी देखिए कोई भी वस्तु का अपना जो कीमत होता है वो तो 100% होता है, अपना कीमत कितना होता है उसका 100% होता है, यानी वो क्रय मूल्य 100% है। अच्छा 100% का मान 1 होता है, ये बात को भी आप जान लीजिएगा, 100% का मतलब होता है बट्टा में 100, 100 से 100 काटिएगा तो 1 होगा, यानी कि 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में भिन्न में एक ही होता है, यानी एक जो होता है प्रतिशत में 100% के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये कहता है कि वह जो है 20% लाभ पर बेचती, यानी उसका विक्रय मूल्य जो होता 120%, यानी 100% सामान का दाम था, 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% में बेचना, ये पहला SP हो गया। अब सवाल कहता है कि अगर 20% कम में खरीदती, 5 रुपये कम में बेचती तो भी 25% का लाभ होता, 20% कम में खरीदती यानी 100% में खरीदा हुआ था, ये 100% उसका दाम हुआ, क्रय मूल्य है, अगर 20% कम में खरीदती इसका मतलब 80% पर खरीद के लाती, तब भी कहता है कि 5 रुपया कम में बेचती फिर भी 25% का लाभ होता, यानी अब जो विक्रय मूल्य होगा इस पर 25% लाभ कमाएगा, यानी इसका 125% लेकर बेचा जाएगा। ये हो गया दूसरा SP, यानी SP2 हो गया। दोस्तों करना क्या है, ये हमारा है 4/5 और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कटा 5 से 5, तो 1 × 1 यानी 1 हुआ, ये हुआ अब का विक्रय मूल्य, और 120% का वैल्यू कितना हुआ 6/5, ये हो गया पहले का विक्रय मूल्य, और पहले के विक्रय मूल्य से अब का विक्रय मूल्य में अंतर बोला है 5 रुपया का, इन दोनों का अंतर बराबर 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 6 में से 5 गया, 1/5 = 5, 1 = हो गया 25 रुपया। दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते थे, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक दो सवाल और करने का कोशिश करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, और इस टाइप के सवाल को इतना तो मेहनत कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल खुद देख लीजिए, और भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको इसे डट के सामना करना होगा और सीखना होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है ज़रा देखिएगा, प्रश्न का कहना है एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य कितना है। सवाल का ये कहना है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, चलिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 100% तो उसका मूल्य होगा ही, 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा ही, उसका मूल्य 100%। सवाल कहता है कि 10% के लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब इतना का 110% विक्रय मूल्य हो जाएगा, 100% खरीदारी है, क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 110% पर बेचना। आगे सवाल कहता है कि अगर इसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, 5% कम में खरीदने का मतलब इसको 95% पर खरीद के ले आता, ये क्रय मूल्य हो जाता नया वाला, और इस पर भी 20% लाभ कमाता 80 रुपया अधिक में बेचता, इस पर 20% लाभ कमाने का मतलब इतना का 120% विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब ये वाला पूरा विक्रय मूल्य हुआ और ये पहले वाला विक्रय मूल्य हुआ, इन दोनों का अंतर ही तो 80 रुपया बोला है, तो दोस्तों ये हो गया आपका कितना 19/20 और ये कितना हो गया 6/5 और देखिए माइनस ये हो गया 11/10, 110% का वैल्यू,
इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य में अंतर बोला है 80 रुपया का, क्योंकि 80 रुपया अधिक में बेच रहा है। अब ये 20 पचे 100 और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 20 पाँच 100 हो जाएगा, 20 पचे 100, 19 छः के 14 से और 10, अच्छा 100 और 10 का एलसीएम हुआ हमारा 100। ये तो हुआ 100, तो 19 छः के 114 माइनस 10 से कटा 10 बार में, तो 11 दहाँ 110 बराबर 80। ऊपर हो गया हमारा 4, नीचे हो गया एलसीएम 100 था बराबर 80 हो गया। 4 से इसको हम काट सकते हैं 20 बार में, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बराबर ये 100 जाकर उधर गुना हुआ तो 2000। दोस्तों इस वस्तु का टोटल वैल्यू यानी 100% का मान 1 होता है, इसका कीमत कितना हो गया 2000 हो गया, यानी इस वस्तु का दाम हो गया 2000 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक और टाइप के सवाल को देख लेते हैं, इस टाइप का सवाल तो आपका क्लियर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का हमारा ये पहला सवाल। अगला क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक सवाल कहता है फूल कुमारी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचती तो उसको 7% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का सवाल हम कल के क्लास में भी कराए थे, पिछली वीडियो में। सवाल कहता है फूल कुमारी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचती है, 5% हानि पर बेचती है, घड़ी को क्या करती है 5% हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 27 रुपया अधिक में बेचती तो 7% का लाभ होता। अच्छा ये 7% का लाभ होता कब जानते हैं, जब वह 27 रुपया अधिक में बेचती। 27 रुपया अधिक में बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य का अंतर है 27 रुपया। आपको एक बार लाभ एक बार हानि दिया हुआ हो, या दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि दिया हुआ हो, और आपको केवल विक्रय मूल्य का अंतर पता हुआ रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए, विक्रय मूल्य का अंतर। तो इसको देख लेना, दो रंग है तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, ये देखो एक बार हानि है एक बार लाभ है, लाभ हानि है जोड़ लो, 7, 5, 12% लिखना। अच्छा दो रंग है तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के, लाभ हानि तो जोड़ के, हानि लाभ तो भी जोड़ के, और दोनों हानि रहता तो इसको घटा के लिखते, 7, 5 का अंतर 2 लिखते, ठीक है ना। अगर दोनों लाभ रहता तो भी घटा के लिखते, दो रंग तो जोड़ के आ एक रंग तो घटा के। अच्छा इसके बराबर में हमेशा विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर कितना 27। अब 100% का वैल्यू निकालिए तो क्रय मूल्य निकल गया, ये 27/12 और गुना 100। दोस्तों अगर काटे हम 4 से, 4 3 12, 4 से कटा 25 बार में, 3 से काट सकते हैं 9 बार में, 25 9 2 25 क्या, हाँ 25 9 2 18 4 22, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 2 18 4 22 225, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, एक दो सवाल और ऐसा देखते हैं। अगला सवाल है एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता, क्रय मूल्य गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। एक आदमी 15% हानि पर बेचता है, एक आदमी क्या किया है 15% हानि पर बेचा है। अब सवाल कहता है कि 150 अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 150 का अंतर है, तब कहता है कि 10% लाभ होता, तब 10% क्या होता लाभ होता। अब एक काम करिए, एक काम करिए, कि दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, दो रंग है जोड़िए, 15 10 कितना हुआ 25%, अब 25% के बराबर आपको लिखना है विक्रय मूल्य का अंतर। विक्रय मूल्य का अंतर 150 रुपया कहा है तो बराबर में 150 लिख देना है। अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए तो भैया 150 कितना है, ये 150 है, 150/25 अगुना 100, चलिए 25 चौके 100, 15 चौके 60, 10 और 600 रुपया हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक और सवाल को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 21% का लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सिंपल, एक वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, 19% हानि पर बेचा जाता है और 120 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 21% का लाभ होता है। अब 21% का क्या होता है लाभ होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बोला है कि 120 रुपया अधिक में बेचा जाता है,
120 रुपया अधिक में बेचने का मतलब पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 120 का अंतर हुआ। ऐसा भी रह सकता था दूगो विक्रय मूल्य ही दे देता कि पहले इतना रुपया में बेचा जाता था तो इतना प्रतिशत हानि, फिर इतना रुपया में बेचा जाता है तो इतना प्रतिशत लाभ। तो क्या करते, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हम निकाल लेते। इस बार विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, ऐसा भी सवाल रहेगा कि दो विक्रय मूल्य दे देगा और लाभ हानि दे ले रहेगा। दो रंग है तो जोड़ लीजिए, 9 × 1 = 10, 2 × 1 = 3, 1 × 4 यानी 40%। अब बराबर आपको लिखना है विक्रय मूल्य का अंतर, 120 रुपया का अंतर बोला है। चलिए तो 40 का 3 गुना होता है तो 100% का जो मान निकालना है इसका 3 गुना कितना होगा, 300 रुपया होगा। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज मैंने दो टाइप के सवाल कराए हैं और दोनों बेहतरीन टाइप है। आप पिछला टाइप तो और ख़तरनाक था, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार बनाकर। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर इस चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे और इससे आपको लगातार गणित सीखने का मौका मिलते रहेगा। अगर आप मेरा पूरा पेड क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर धुरीना ऐप पर मेरा क्लास मौजूद है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।